गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से चैप्टर वृद्धि मरम्मत वैता का अध्ययन करेंगे। इसमें वृद्धि क्या है, तो वृद्धि जैसे अपन शुरू से देख रहे हैं कि बच्चे छोटे रहते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, वयस्क होते हैं और अंतिम अवस्था तक जैविक क्रियाएं करते रहते हैं। इसी प्रकार से पौधे भी बीज से अंकुरण होता है, छोटा पौधा बनता है, पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और फूल लगना, फल लगना और बाद में भी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। लेकिन वैज्ञानिक मिलर के अनुसार जो वृद्धि है ये जीवों में वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रोटोप्लाज्मिक एवं एप्लोटोप्लाज्मिक मतलब जीवद्रवी और अजीवद्रवी पदार्थों का संश्लेषण होता है। ऐसे जीवों में वृद्धि भार आयतन में स्थिर और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, इसको वृद्धि कहा जाता है। जीवों में वृद्धि तब होती है जब उनमें निर्माण की क्रियाएं तीव्र गति से होती हैं, विघटन की क्रिया धीमी होती है। वैसे जैविक क्रियाओं को जो जीवों के शरीर में होते रहता है मुख्य रूप से उपापचय कहा जाता है। उपापचय इसमें दो भाग होता है, उपापचय में एक है उपचय, दूसरा है अपचय। उपचय और अपचय, उपचय निर्माण की क्रिया है, अपचय विघटन की क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं मिलकर उपापचय बनाते हैं। इनमें शरीर के अंदर निर्माण की क्रियाएं होते रहते हैं, इसका उदाहरण जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण इस क्रिया में सरल पदार्थ आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और विघटन की क्रिया अपचय, इसका उदाहरण श्वसन है। श्वसन की क्रिया में जटिल पदार्थ का विघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और सरल पदार्थों का निर्माण होता है। तो अपचय ये विघटनकारी क्रिया है जैसे श्वसन, उपचय निर्माण की क्रिया है जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। लेकिन जीवों में देखते हैं शरीर के अंदर जो भी निर्माण की क्रियाएं हैं वो तीव्र गति से होते रहता है, इसके कारण वृद्धि होता है और जीव छोटे से बड़ा होते जाता है, उसका आकार भार बढ़ते जाता है। लेकिन यदि विघटन की क्रिया अपचय यदि तीव्र गति से होने लगे तो उस समय शरीर कमजोर होते जाता है और रोगग्रस्त हो सकता है। तो ये दोनों क्रियाएं उपचय और अपचय मिलकर उपापचय कहलाते हैं। वृद्धि के प्रकार, पहला होता है ऑक्सेटिक वृद्धि, ऑक्सेटिक वृद्धि। इसके बाद है गुणात्मक वृद्धि, और तीसरा होता है इसमें एक्रेशनरी वृद्धि।
गुणात्मक वृद्धि, इसमें अधिकतर जैसे रोटीफर्श होते हैं, रोटीफर्श और यूरोकॉर्डेटा, इनमें देखने को मिलता है कि कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती इनमें। कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती लेकिन शरीर का आकार बढ़ते जाता है। इस प्रकार की जो वृद्धि है ऑक्सेटिक वृद्धि कहलाता है। ये केवल क्रीमीवर्ग रोटीफर्श हैं, इनमें पाया जाता है, यूरोकॉर्डेटा में पाया जाता है। गुणात्मक वृद्धि, इसमें शरीर की कोशिकाएं बार बार कोशिका विभाजन करते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, इससे वृद्धि होती है, ये गुणात्मक वृद्धि कहलाता है। तीसरा है एक्रेशनरी वृद्धि, इसमें जैसे कुछ जीवों में जैसे हाइड्रा है, स्पंज है, इनमें शरीर की कुछ कोशिकाएं जैसे अंतराली कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन होता है और इन्हीं से शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सेटिक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि और एग्रेशनरी वृद्धि, ये तीन प्रकार की वृद्धि जीवों में पाया जाता है। वृद्धि दर, वृद्धि दर जीवों में इकाई समय में होने वाले वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। इकाई समय मतलब एक निश्चित समय में। अब इसको जैसे अब बच्चों का भार, अस्पतालों में बच्चों का भार आज लिए कल लिए, इस प्रकार समय के साथ साथ उसका भार देखा जाता है। तो भार में यदि वृद्धि हो रहा है, भार में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब होता है कि शरीर में वृद्धि हो रहा है। इस प्रकार से इकाई समय में हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। वृद्धि वक्र, जीवों में वृद्धि पूरे जीवन काल एक समान नहीं होती, इसलिए वृद्धि वक्र कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं प्राप्त होता। बच्चों में जैसे वृद्धि आरंभिक अवस्था में धीमी गति से आरंभ होता है वृद्धि, उसके बाद वृद्धि में तेजी आती है, फिर थोड़ा धीमी हो जाती है और अंतिम अवस्था में वृद्धि पहले अवस्था के समान स्थायी होने लगता है। इस प्रकार से ये चार भागों में बांट सकते हैं हमको इस वृद्धि वक्र को। एक पहला होता है लैग फेज, पहला है लैग फेज, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फेज, तीसरा है सेंसेंट फेस, चौथा है स्टेडी फेस या स्थायी अवस्था। इस प्रकार जीवन काल में जीवों में वृद्धि इन चार भागों में बटा रहता है और इन्हीं चार भागों को ग्राफ के रूप में देखते हैं। भार किलोग्राम में लिया जाता है और समय वर्ष में। तो जो वक्र है
इस प्रकार से सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है आरंभिक अवस्था लैक्टास जीव में वृद्धि आरंभिक अवस्था में बहुत धीमी गति से आरंभ होता है, इसको लेग फेस कहते हैं या धीमी वृद्धि काल कहा जाता है इसको। इसके बाद वाला अवस्था एक्सपोनेंशियल फेस, जीव में वृद्धि तीव्र गति से होने लगता है, इसलिए वक्र सीधा ऊपर उठता है, तीव्र गति से ऊपर उठता है, इसको तीव्र वृद्धि काल कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फेस। तीसरा है सेंसेंट फेस, इस समय वृद्धि धीमी हो जाती है। एक्सपोनेंशियल फेस में तीव्र गति से होता है वृद्धि, इसके बाद धीरे धीरे वृद्धि कम होने लगता है, और अंतिम अवस्था स्थायी अवस्था होता है। स्टेडी फेस, इस समय वृद्धि प्रथम अवस्था लेग फेस के बराबर हो जाता है, इसलिए ये जो वृद्धि वक्र है ये एक सीधी रेखा में कभी प्राप्त नहीं होता, हमेशा ये सिग्मोइड प्राप्त होता है। लेग फेस प्रथम अवस्था जिसमें वृद्धि धीमी गति से आरंभ होता है, दूसरा वाला है एक्सपोनेंशियल फेस, तीव्र वृद्धि काल कहा जाता है इसको, वृद्धि तीव्र गति से होता है यहाँ पर, और शरीर का आकार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है इस समय। इसके बाद सेंसेंट फेस तीसरा है, वृद्धि दर कम होने लगती है इस समय, और चौथा स्थायी अवस्था है, स्थायी अवस्था लेग फेस के बराबर हो जाती है, शरीर में और वृद्धि नहीं होती। तो इन चार अवस्था अलग अलग भागों में बटा हुआ है और वृद्धि वक्र सिग्मोइड प्राप्त होता है। वृद्धि का हार्मोनल नियंत्रण, शरीर में वृद्धि क्रम से होते रहता है और उम्र के हर स्टेज में हर पड़ाव में जो हार्मोन होते हैं वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। हार्मोन क्या है? तो शरीर में कुछ ग्रंथियां पाए जाते हैं जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहे जाते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सब ग्रंथियां हैं, विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है, जो जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन्स सामान्य अवस्था में जैसे बच्चे रहते हैं तो 10 से 13 वर्ष उम्र तक थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके द्वारा हार्मोन बनता है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन दूसरा ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, इसे थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। तीसरा ग्रंथि है
इससे हार्मोन बनता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन आरंभिक अवस्था में जब उम्र 10 से 12 साल का होता है बच्चों में, उस समय ये मुख्य तीन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं थाइमस ग्रंथि जिसे थाइमोसिन हार्मोन बनता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन बनता है, पियोस ग्रंथि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बनता है। इनके द्वारा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जब उम्र बढ़ जाता है 14 से 18 वर्ष की उम्र होने लगता है तो उस समय पियोस ग्रंथि के साथ साथ अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा भी हार्मोन बनने लगता है, मुख्य रूप से जैसे वृषण के द्वारा, वृषण इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन बनता है। इसी प्रकार महिलाओं में अंडाशय से एस्ट्रोजन बनता है और प्रोजेस्टेरोन बनता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण जैसे पुरुष वर्ग में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होता है, जैसे आवाज का भारी हो जाना, शरीर का सुदृढ़ हो जाना और अन्य जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो सब दिखाई देते हैं टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से। महिलाओं में देखते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसके कारण शरीर सुडौल हो जाता है, आवाज पतला हो जाता है और शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। इस प्रकार से उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्मोन की मात्रा तेजी से बढ़ने लगता है और जनक के द्वारा भी ये हार्मोन बनने लगते हैं। इसके कारण से शरीर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है इसके कारण से, और शरीर में वृद्धि तीव्र गति से होते जाता है। मरम्मत, शरीर में जब कभी चोट लग जाता है या कभी घाव बन जाता है तो देखते हैं कि ये धीरे धीरे ठीक होने लगता है। चोट यदि ज्यादा भारी है तो ज्यादा समय लगता है, यदि हल्का पुल्का चोट है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इस प्रकार ठीक होने की जो क्रिया है इसको मरम्मत कहा जाता है। लेकिन अब यहां पर यदि किसी शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए या प्राकृतिक रूप से कई भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक जो टुकड़ा है या खंड है ये पूर्ण विकसित जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की जो क्रिया है पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन कहलाता है। इस प्रकार प्लैनेरियम, हाइड्रम, कुछ छिपकली में देखने को मिलता है, मेडिकेटेड पोल लार्वा की पूंछ को देखने को मिलता है जो टूट जाता है, उसके बाद फिर उसमें धीरे धीरे विकास होने लगता है और नए जीव का निर्माण करता है। या शरीर का कोई भाग यदि कट गया है, टूट गया है तो विकसित होकर धीरे धीरे पूर्ण विकसित उस अंग का निर्माण कर देता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं पुनरुद्भवन कहलाता है। जीव वर्ग के विभिन्न वर्ग हैं, जैसे एनिलिडा, मोलस्का, प्लेटेलमंथीज,
पूरी फेरा, अलग अलग संघ है, इनके अंतर्गत जंतु आते हैं। एनेलिडा में जैसे केचुआ आता है, केचुआ को यदि कई खंडों में काट दिया जाए या टूट जाए तो देखने को मिलता है कि वो कटे हुए भाग को फिर उसका निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से जैसे अब पोरीफेरा में स्पंज आते हैं, स्पंज यदि कई टुकड़ों में कट जाए तो भी अपना बाकी कटे हुए अंग का निर्माण कर लेता है। प्लैटीहेलमिंथीस, इसमें एस्केरिस है, एस्केरिस है, प्लैनेरिया है, इनके यदि खंड हो जाए, टूट जाए तो इससे भी नए अंगों का निर्माण कर लेता है। इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश आता है, स्टार फिश की यदि भुजाएं कट जाएं तो कटे हुए भाग को फिर निर्माण कर लेता है। अब कॉर्डेटा में यदि हम देखें, कॉर्डेटा जिसमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य में यकृत का कुछ भाग यदि किसी कारणवश कट जाए तो कटे हुए भाग का रीजनरेशन के द्वारा, पुनरुद्भवन के द्वारा फिर से वो कटे हुए भाग का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से यदि हम वृक्क के बारे में देखें, किसी व्यक्ति का वृक्क यदि किडनी निकाल दिया जाए या खराब हो जाए तो एक जो किडनी बचा रहता है वो अपने आकार को बढ़ा देता है और आकार बड़ा होकर शरीर के कार्य का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार ये पुनरुद्भवन या मरम्मत की क्रियाएं कुछ जीवों में देखते हैं, कम स्तर पर जैसे मेंढक के टेडपोल लार्वा में देखते हैं, पूंछ यदि कट जाए तो धीरे धीरे फिर विकसित हो जाता है। छिपकली का पैर यदि कट जाए तो पैर का निर्माण कर लेता है। हाइड्रा को कई भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक नया विकसित हाइड्रा बना लेता है। ये सारी क्रियाएं पुनरुद्भवन कहलाते हैं। पुनरुद्भवन मरम्मत जैसे देख रहे हैं, स्पंजों में देखते हैं, पोरीफेरा के अंतर्गत स्पंज आते हैं, हाइड्रासिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। स्पंजों को यदि कई भागों में काट दिया जाए या कट जाए तो उसका प्रत्येक भाग नए स्पंज का निर्माण करता है। इसी प्रकार हाइड्रा में देखते हैं,
हाइड्रा में पुनरुद्भवन, एक पूर्ण विकसित हाइड्रा है, इसको हम तीन भागों में काट दे रहे हैं, नीचे वाला भाग, मध्य वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग, तीन भागों में काट दिए। तो इसका जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग विकसित होकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ नए ऊतक कोशिकाएं बनाने लगता है और धीरे धीरे पूर्ण विकसित हाइड्रा बन जाता है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ बना लेता है नए अंग और पूर्ण विकसित हाइड्रा बन जाता है। इसी प्रकार नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग भी अपने ऊपर दो खंड विकसित कर लेता है और नए रीजनरेट पुनरुद्भवन अंग बना लेता है, ये भी पूर्ण विकसित हाइड्रा बन जाता है। ऊपर वाला भाग ये अपने नीचे के दो भाग इसको धीरे धीरे बना लेता है और ये भी पूर्ण विकसित हाइड्रा बन जाता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि अकशेरुक जीव, ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाला हाइड्रा है ये, इसके शरीर को यदि हम तीन भागों में या तीन से अधिक भागों में यदि काट दें तो प्रत्येक भाग विकसित होकर एक नया हाइड्रा बना देता है। इस प्रकार पूर्ण विकसित पुनरुद्भवन की क्रिया यहाँ पर हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद कशेरुक जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्रिया देखते हैं। कशेरुक जंतुओं के अंतर्गत जैसे अब छिपकली आता है, इसके पैर यदि कट जाए तो धीरे धीरे विकसित होकर नए पैर का निर्माण कर देता है, यह भी एक पुनरुद्भवन का उदाहरण है। मध्य में अस्थि है, बोन, इसके बाहर पेशी ऊतक होता है, मसल्स, फिर संयोजी ऊतक, डर्मिस और एपिडर्मिस। इस प्रकार इसके पैर के अस्थि के ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस प्रकार से इस तरह पाए जाते हैं। सबसे पहले जब छिपकली का पैर कट जाता है या टूट जाता है तो यहाँ पर जो बाह्य त्वचा होता है ये आगे की ओर खिसक जाता है और एक आवरण बनाता है। इस प्रकार एक आवरण बनता है। रुधिर बहने लगता है, रुधिर का थक्का बनता है और थक्का यहाँ पर जमा हो जाता है। बाह्य त्वचा जो एपिडर्मिस है ये चारों तरफ से इसको कवर कर देता है और बार बार कोशिका विभाजन होने लगता है यहाँ पर। इस समय इसको ब्लास्टेमा कहा जाता है। ब्लास्टेमा, इस ब्लास्टेमा में कोशिका का भिन्नन होता है, कोशिका का भिन्नन होते जाता है। इस प्रकार इस तरह हैं अलग अलग, इसमें कोशिका का भिन्नन होने लगता है और इससे
इस प्रकार से कटे हुए भाग का पुनः निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार कटे हुए भाग का पुनः निर्माण होता है रीजनरेशन क्रिया के द्वारा। इसमें कोशिका का कोशिका विभाजन होता है, ब्लास्टेमा का निर्माण होता है और कायांतरण होता है जिससे नए कटे हुए अंगों का निर्माण होता है। इस प्रकार इसमें छिपकली में पुनरुद्भवन की क्रिया दिखाई देती है। पुनरुद्भवन के प्रकार, पुनरुद्भवन के प्रकार एक होता है मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस और दूसरा होता है एपिमॉर्फोलेक्सिस। उदाहरण है हाइड्रा मॉर्फोलेक्सिस, जब शरीर को कई भागों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग ये एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार के जो पुनरुद्भवन है जैसे हाइड्रा में देखने को मिलता है इसको मॉर्फोलेक्सिस कहा जाता है। एपिमॉर्फोलेक्सिस, इसमें शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है जैसे छिपकली में होता है। छिपकली का यदि पैर कट जाए तो धीरे धीरे कोशिका विभाजन होता है, ब्लास्टेमा का निर्माण होता है, कोशिका भिन्नन होता है और नए अंगों का निर्माण करता है। तो ये एपिमॉर्फोलेक्सिस का उदाहरण है। हाइड्रा में उसके शरीर को कई भागों में काट दिया जाता है, प्रत्येक भाग नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की जो क्रिया है मॉर्फोलेक्सिस कहलाता है। आगे है वैता। वैता, इसको एजिंग बोलते हैं। वैता मतलब एजिंग। जीव शरीर में उम्र बढ़ने के साथ साथ जो परिवर्तन दिखाई देने लगता है उसको वैता बोलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो हम सोचते हैं कि उम्र बढ़ रहा है, इतने साल के हो गए, लेकिन शरीर पुराना होते जाता है, शरीर कमजोर होते जाता है। इस प्रकार की जो लक्षण दिखाई देते हैं इसको वैता कहा जाता है। जैसे अब वैता के लक्षण यदि हम देखें तो किसी भी बुजुर्ग को देख के उसके लक्षण यदि हम ध्यान में लाएं तो वैता के लक्षण पता चलते हैं। जैसे अब आँख कमजोर हो जाता है, दिखाई कम देने लगता है, चश्मा लग जाता है, दृष्टि दोष हो जाता है, सुनाई कम देता है, शरीर कमजोर हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है, जीभ में जो टेस्ट पेपिली होता है वो भी कम हो जाते हैं संख्या में, हृदय का धड़कन कम हो जाता है, पाचन शक्ति कम हो जाता है, चलने फिरने के लायक नहीं रहते, वो भी कमजोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि वैता के कारण पूरा शरीर कमजोर हो जाता है और इसके लास्ट में फिर शरीर की जैविक क्रियाएं बंद हो जाते हैं और उसी को मृत्यु कहा जाता है। अन्य जैसे वैता के लक्षण के साथ साथ जैसे अब वैता में जो परिवर्तन होता है उसको देखें। वैता में परिवर्तन, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवों का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है इसको। जो भी क्रियाएं होते हैं, भोजन का पाचन, कोष की श्वसन, ऊर्जा का संग्रहण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रखा जाता है। इसी एटीपी का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में हम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो जाती है तो शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है और शरीर कमजोर होने लगता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी भी संख्या कम हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जैसे अब राइबोसोम्स लगे रहते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण करते हैं, प्रोटीन निर्माण की क्रिया शरीर में कम हो जाती है तो शरीर कमजोर होने लगता है। केंद्रक की क्षमता भी कम हो जाती है। केंद्रक कोशिका के अंदर समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है कोशिका के अंदर। तो जब केंद्रक कम हो जाते हैं तो कोशिकाओं की संख्या कम होने लगती है, शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम हो रही है तो शरीर कमजोर होने लगता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं, वैता के लक्षण हैं, टोटल अब जैविक क्रियाएं बंद हो जाते हैं लास्ट में और इसी के कारण शरीर कमजोर हो जाता है और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है।